व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आलू भुना बना रहा हूँ आज। अब वेजिटेरियन डिशेस में आलू भुना मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिशेस है, और इसे प्याज चटनियाँ और रुमाली रोटी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। स्ट्रीट फूड में मुंबई में लेट नाइट ये मिलता है कई जगहों पर, और इसके रोल भी बनते हैं और बहुत मज़ा आता है इसे खाने में, बहुत टेस्टी होता है। तो आलू भुना कैसे बनता है घर पे देख लेते हैं। एक हांडी के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर उसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कीजिए और उसको क्रैकल होने दीजिए। अब इसके अंदर 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके ऐड कर दीजिए। अब इन प्याज को आपको स्टर करके अच्छे से भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पर प्याज को तब तक भूनिए जब तक कि प्याज अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। तो रेगुलर इंटरवल्स में मैंने स्टर करते हुए प्याज को अच्छे से भून लिया है। इस प्रोसेस को 7-8 मिनट लग जाते हैं। एक बार आपका प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, तब इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अब लहसुन और अदरक को भी आपको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। एक बार लहसुन अदरक को आप भून लें तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब साइड में एक बोल के अंदर 1/2 कप दही, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दही और मसालों को मिलाने से दही फटता नहीं है। दही और मसालों को आप हांडी के अंदर ऐड कर दीजिए। साथ ही में थोड़ा सा यहाँ धनिए के डंठलों को चॉप किया हुआ मैंने उसे ऐड किया है। अब पहले 1 मिनट अच्छे से स्टर करते हुए लो फ्लेम पर ही आपको कुक करना है। एक बार 1 मिनट हो जाए, अच्छे से आपने स्टर कर लिया है, तो फ्लेम को बढ़ाकर अभी आपको तब तक भूनना है जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता है। तो मसाले से तेल अलग हो जाए तब तक अच्छे से मसालों को भून लीजिए। तो अब आप देख सकते हो तेल अलग हो चुका है मसाले से। इस स्टेज पर आपको इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है। तो 2 टमाटर को मैंने पीस कर यहाँ पर ऐड कर दिया है। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद इस मसाले को आपको कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। अभी आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है और तेल भी अलग हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना लूँगा। तो ग्रेवी बनाने के लिए 500 ml लगभग इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। आप जब भी ग्रेवी के अंदर पानी ऐड करते हैं तो गर्म करके ही आपको पानी को ऐड करना है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब पानी ऐड करने के बाद अच्छे से आप स्टर कर लीजिए, सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब आपको ढक कर इसे 20 मिनट तक और पकाना है। ढक कर आप जब पकाएंगे तो बीच बीच में इंटरवल्स में आपको स्टर कर लेना है। ये ग्रेवी की जितनी भुनाई आप करोगे उतनी ही ग्रेवी ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो भूनने वाला जो पार्ट है इस रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी का क्या हाल है। तो अब ग्रेवी देख सकते हो कलर एकदम ब्राउन हो चुका है, तेल एकदम अलग हो चुका है और एकदम लटपटी ग्रेवी बन गई है। आपको अगर ऐसे लगता है कि ग्रेवी अगर आपकी बहुत ड्राई हो चुकी हो तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब नमक चेक कर रहा हूँ, नमक चेक करके अगर नमक कम है तो थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लीजिए। साथ ही में 1 लार्ज चुटकी गर्म मसाले की, 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए और हमारी भुना ग्रेवी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब एक दूसरे पैन के अंदर हमें एक तड़का बनाना है। 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कीजिए पैन के अंदर। मक्खन एक बार आपका अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1/3 कप स्लाइस किया हुआ प्याज, 1/3 कप स्लाइस की हुई कैप्सिकम, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें, इन्हें अभी हाई फ्लेम पर आपको टॉस करना है। एकदम क्रंची रखना है और एकदम हाई फ्लेम पर टॉस करना है। प्याज और कैप्सिकम को टॉस कर लिया तो इसमें 4 से 5 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू ऐड करने हैं जो मैंने डाइस करके रखे हैं। साथ ही में 1 टीस्पून चाट मसाला इसमें डालना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे टॉस करना है। अब जो हमने भुना ग्रेवी बनाई थी वो इसके अंदर हमें ऐड करनी है। हल्का सा आपको कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें गर्म पानी ऐड करना है। अब अच्छे से आपको स्टर करके बस 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। आपको ध्यान देना है कैप्सिकम और जो प्याज है उसका क्रंच जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। एक बार 2 से 3 मिनट आप कुक कर लें तब इसमें लास्ट में ताज़ा कटा हुआ धनिया डालना है। अब आप देख सकते हो हमारा आलू भुना रेडी हो गया। इसे प्लेट कर लेते हैं IFL स्टाइल।
आलू भुना इस तरीके से बनाइए अपने घर पे, बहुत ही डिलिशियस बनता है। कई बारी लेट नाइट हम ड्राइव पे जाते हैं मुंबई में, तब ये सड़कों पर मिलता है, दो तीन ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पर मिलता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसका रोल भी मिलता है, तो रोल रुमाली रोटी के अंदर चटनियाँ प्याज आलू भुना डालकर रोल बनाइए, रोल भी खाइए, इंजॉय कीजिए इसको। जो दो चटनी है इसके साथ स्पेसिफिकली मैं बनाता हूँ, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे छोड़ दूंगा, वो चटनियाँ ज़रूर बनाइएगा साथ में, बहुत मज़ा आएगा। और रुमाली रोटी इसके साथ बेस्ट जाती है, तो रुमाली रोटी के साथ ही खाइएगा। तो एंजॉय करो ये रेसिपी और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल आलू भुना रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।